subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड ऑयल का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे क्रूड बंद हुआ है लगभग 1.5% नीचे 7660 के लेवल पे। और अगर हम मंथली चार्ट पे देखोगे तो इस महीने के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 9% नीचे 750 रुपये के लॉस के साथ। लास्ट मंथ हमने 7% का लॉस देखा था, 650 रुपये नीचे बंद हुआ था क्रूड ऑयल। तो यहाँ क्लियर कट लॉन्ग टर्म टॉप बनते हुए दिख रहा है और हम लॉन्ग टर्म करेक्शन में एंटर कर चुके हैं। यहाँ क्रूड के लिए नीचे जो सपोर्ट जोन है एवरेजेस के, मेजर एवरेजेस जोन, तो वो है 6000 के अराउंड और 5000 के अराउंड। 6000 जो है तो 20 मंथ का एवरेज है और 5000 जो है तो 50 मंथ का एवरेज लेवल है। अगर हम पीओट पे देखेंगे तो 7000, 6300 और उसके बाद में जो है तो 5000, ये एक के बाद एक लेवल आपको देखने को मिलेंगे एज अ सपोर्ट। 7000 का लेवल जो है तो लगभग इस महीने हमने अचीव कर चुके थे, लगभग लो बनाया था 7272 के अराउंड। तो 7000 का लेवल लगभग आ चुका है हमें, वो शायद आने वाले हफ्तों में भी देखने को मिलेगा। 7000 टच होगा, उसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 6300 और उसके बाद में 5000 की भी लेवल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं इन मीडियम टू लॉन्गर टर्म। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे देखोगे कि इस हफ्ते हमने बाउंस बैक करने की कोशिश की थी, मगर ऊपर जो है तो जैसे मैंने कहा था कि 8300 के अराउंड जो है तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 8350 से हम जो है तो नीचे सरक चुके हैं और यहाँ जो है तो 7660 पे इस वीक की क्लोजिंग आई है। लगभग 2% नीचे बंद हुआ है क्रूड ऑयल 150 पॉइंट के लॉस के साथ। लास्ट वीक जो है तो 6% का लॉस देखा था, 500 पॉइंट का लॉस हमने क्रूड ऑयल में आते हुए देखा था। अभी हम वीकली चार्ट पे 20 वीक का जो एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं और जा रहे हैं हम 50 वीक का एवरेज जो है 7040 के अराउंड, तो वो इमीडिएट टारगेट रहेगा आने वाले एक से दो हफ्ते के लिए। ऊपर जो है तो आपको सेल ऑन राइज व्यू रखना है एंड एज पर वीकली चार्ट यहाँ जो है तो आपको 8000 के अराउंड अगर क्रूड ऑयल मिलता है 8100 तो वहाँ सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 8350 के अराउंड और टारगेट रहेगा 7050। वो ब्रेक होता है तो आपको 6000 का भी टारगेट क्रूड ऑयल में आने वाले एक से दो महीने में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रहेगा क्रूड ऑयल पे और नीचे जो है तो मुझे इमीडिएट टारगेट लगता है 7550 का। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि जैसे किस तरह से हमने 8350 पे रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से जो है तो फिर से क्रूड ऑयल जो है तो निचले लेवल की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रहेगा, जैसे ही हम 7332 का लेवल तोड़ देंगे या फिर 7350 का लेवल तोड़ देंगे हम जो है तो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में एंटर कर जाएगा क्रूड ऑयल और यहाँ डाउन साइकिल शुरू हो जाएगा। यहाँ लोअर टॉप लोअर बॉटम का साइकिल आपको देखने को मिलेगा। तो 7350 के नीचे आपको मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। करंटली जो है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर या सेल ऑन राइज व्यू रहेगा, आपको जो है तो ऊपर के लेवल की पर क्रूड ऑयल बेचना है 8000-8100 के अराउंड, 8350 के ऊपर स्टॉप लॉस, टारगेट 7350 और उसके बाद में 7000 का टारगेट आपको इन शॉर्ट टर्म देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ जो है तो 7600 का लेवल टूटता है तो आपको शॉर्ट जाना चाहिए विथ अ स्टॉप लॉस और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 7350 और 7000 का इन नेक्स्ट वीक। सेफ जो सेल रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा क्योंकि यहाँ क्रूड ऑयल जो है तो होलाटाइल हो सकता है और होलाटिलिटी आप देख रहे हो कि डेली हम जो है तो 200-300 पॉइंट का रेंज देख रहे हैं क्रूड ऑयल में, तो यहाँ थोड़ा सा होलाटिलिटी ज़्यादा रहता है। तो आप सेफ साइड जो है तो ऊपर के लेवल पे अगर क्रूड ऑयल मिलता है तो हम बेचेंगे, नीचे जो है तो आपको शार्प ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा 7600 के नीचे, टारगेट 7350 और 7000 के। ऊपर जो है तो रेजिस्टेंस है 8000 और 8100 का राउंड, अगर वहाँ तक आता है क्रूड ऑयल तो आपको बेचना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो है तो 8350 और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपके जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 7350, 7000 और उसके बाद में 6000 के भी टारगेट आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ बेरिश दिख रहा है पूरी तरह से, लॉन्ग टर्म करेक्शन चालू है और इस करेक्शन में आपको सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। तो अगर जिन्होंने भी 8350 के अराउंड क्रूड ऑयल बेचा होगा
तो उन्हें आज जो है तो अच्छा खासा मुनाफा ऑलरेडी उनके अकाउंट में रनिंग है। और यहाँ जो है तो आपको नीचे के लेवल भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी आप शॉर्ट जो है तो आपके होल्ड कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है 7000 के अराउंड और उसके बाद में जो है तो 6000 के भी लेवल आपको जो है तो मीडियम टर्म में देखने को मिल जाएंगे क्रूड ऑयल में। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो अभी तो लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप, तो मेरे श्योर शॉट कमोडिटी कॉल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।